हाय फिर, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है वो आईसी रिबॉलिंग बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो, बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि आकाश भाई आप किस तरीके से करते हो और क्या कुछ करना होता है, तो उस हिसाब से इस वीडियो को आप एंड तक देखो। मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ। उसके अलावा कौन से कॉमन स्टेंसिल है, किसका यूज़ करके आप जो है वो आईसी की रिबॉलिंग आसानी से कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देखने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे एक आईसी को ले लिया हमने। उसके अलावा मार्केट में दो तरीके की स्टेंसिल है, एक जो है वो सिल्वर है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, उसके अलावा एक जो है वो ब्लैक स्टेंसिल है। ये दोनों भी यूनिवर्सल स्टेंसिल है गाइस, और ये दोनों भी मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास और भी बहुत सारे मॉडल्स के अवेलेबल हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, जब सेटअप रखते हैं फिर उसमें से ढूंढना और मगजमारी करना, तो वो अब मैं ज़्यादातर इग्नोर करता हूँ। मॉडल वाइज खाली सीपीयू के जो मॉडल्स होते हैं उसे मैं थोड़ा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज जो है ज़्यादातर काम जो है मैं वो इस ब्लैक स्टेंसिल से करता हूँ। और इसमें क्या फ़र्क है वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें पीपीडी पेस्ट चाहिए। कोई भी ब्रांड की पीपीडी आप यूज़ कर सकते हो, मैं ब्रांड नहीं बोलूँगा, बट वो 183 डिग्री की पीपीडी होनी चाहिए। मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरे बोलने पर कभी भी मत लिया करो गाइस जो भी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है देखो, मैं इनडायरेक्टली ब्रांड को प्रमोट नहीं करता, मैं ये भी यूज़ करता हूँ, मैं दूसरे भी यूज़ करता हूँ। आप अभी ये देख रहे हो, कुछ दिन बाद मैं हो सकता है कि दूसरा कोई ब्रांड भी यूज़ करने लगो, ठीक है, तो ऐसा डिपेंड करता है। तो सारे लगभग एक है, क्योंकि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं 4-5 क्वालिटी यूज़ कर चुका हूँ और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ये पीपीडी ब्लेड जो है थोड़ा हार्ड होना चाहिए। बेसिकली ये 4 नंबर का ब्लेड है, ठीक है, इसके आगे शार्प होता है जिसको थ्रेड जो है वो ख़राब हो गया, तो हमने क्या किया, एज अ पीपीडी ब्लेड जो है हम इससे रफ करते हैं, ठीक है, ये एक हो गया। उसके अलावा आपको टिश्यू का बंच लेना है। जैसे ये देखो, ये मेरा टिश्यू का बंच जो है वो काफ़ी मोटा है, ठीक है, अभी मैं इस पर एक लेयर और लगाऊंगा। और टिश्यू की क्वालिटी ना थोड़ी सी अच्छी वाली लेनी होती है आपको, क्योंकि मार्केट में लोकल क्वालिटी भी अवेलेबल है, तो एकदम भी खराब वाला मत लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा बंच बना के रखना है। देखो अभी मेरा बंच कितना मोटा है यहाँ पे आप देखो, ठीक है। तो अब इसके यूज़ करके देखिए, बेसिकली इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आईसी रिबॉल करने में, ठीक है। तो इस बंच को लेके हम जो है वो अभी आपको आईसी रिबॉलिंग करके बताएंगे, और ब्लैक और वाइट स्टेंसिल में भी क्या प्रॉब्लम होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें जो है वो बंच को इस तरीके से रख देना है। अभी मैंने बंच यहाँ पे आपको रख दिया है, देखिए, ठीक है। तो ये रखने के बाद जो है ना, अगर अभी हम इस पे आईसी को प्लेस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आईसी को प्लेस करना है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप उसमें देख के आसानी से जो है वो कर सकते हो। अभी ये मैंने पोजीशन बना ली, माइक्रोस्कोप में भी सारी चीज़ें हमें दिख रही है, ठीक है। आईसी को पहले से क्लीन किया हुआ है, और उसके बाद जो है ना, अभी मैं आपको ये देखो, ये इस तरीके से जब हम रखते हैं ना, तो इसके रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे जब ये रख के करते हो ना, तो आपको क्या होता है, ये शाइनिंग पार्ट जो है वो शाइन करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये बॉल्स जो है ना वो थोड़ा ध्यान से देखने पड़ते हैं और अच्छे से हाईलाइट नहीं होते। देखो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें बताने की। यहाँ पे मैंने रखा, अभी आप देखिए ये प्रॉपर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन ऐसे शाइन ज़्यादा आता है। और काम तो हम इससे भी कर सकते हैं, ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लैक में क्या होता है, देखो ब्लैक में मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद जो है ना, हम ब्लैक को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब ब्लैक को ऐसे भी सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, आप देखो आसानी से ये सारे सिल्वर पार्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से एडजस्ट करना होता है आपको, ठीक है। अब बंच बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि देखो, यहाँ पे आपकी आईसी जो है वो दब चुकी है, और ये जो बंच है वो उसका शेप ले लिया। अगर मैं इसे ऐसा करके दिखाऊँ आपको, तो देखो आईसी जो है इंटरनली बंच यहाँ पे देखो प्रे जो है ना, ये आपको इतना दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन यहाँ पे एक शेप ले लेती है आईसी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक नहीं बल्कि बंच लगा के आप यूज कीजिए, और पहले डॉट को आपको जो है ना यहाँ पे एडजस्ट करना है। देखो देखो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, जब आप यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, तो अभी हम इसको माइक्रोस्कोप में भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा फ्रेम बना के।
ठीक है, देखो ये सारे डॉट जो है ना अब एकदम खिलके आ रहे हैं, मतलब अब हमें पता चल रहा है कि यही एक फायदा होता है कि यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर जो है ना नहीं होता, और आप आसानी से जो है वो काम कर सकते हो, आसानी से आप देख सकते हो। और ब्लैक जो होता है वो छोटी आईसीयू के लिए भी इजी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली देखो पीपीडी को इस तरीके से लगानी है। बहुत सारे लोग पीपीडी को ड्राई करते हैं, मैं आपको अपनी पीपीडी दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता हूँ, इसको जैसा भी मैं यूज करता हूँ तुरंत मैंने इस तरीके से पिंच करता हूँ, इसके अंदर से ऐसे निकालता हूँ थोड़ा बहुत जितना भी मुझे जरूरत होती है। देखो मैंने इतना निकाला, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसे रख दूंगा। और सबसे पहला काम है मुझे अपनी पीपीडी को बंद करना, क्योंकि अगर इस पे हवा लग गई, और टाइट बंद करना, अगर इस पे हवा लग गई तो ये खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आकाश भाई हमारी ये पीपीडी जो है वो सूख जाती है, तो ये भी एक रीजन होता है कि आप खोल के ज्यादा देर रखते हो, ठीक है, या आप ऐसे जगह पे रखते हो जहाँ पे आपका शोल्डर है, फिर आप उस जगह पे रखते हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको सारे बॉल हल्के हाथों से जो है वो फील करने हैं खाली, ठीक है। जैसे आप इसे फील कर लोगे, देखो मैं यहाँ पे फील कर लिया जितने भी एक्स्ट्रा थे। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा ऐसे रफ कर लेता हूँ, क्योंकि बॉल ऑलरेडी जो है वो फील हो चुकी। और ऐसा करते वक्त आपको जो है वो ध्यान रखना है कि आपकी स्टेंसिल बिल्कुल ना हिले, क्योंकि अगर स्टेंसिल ने जगह छोड़ दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक भी जो बॉल वाले गैप है वो खाली ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा सारे बॉल्स को भर दिया है, ऐसा मतलब अमूमन क्या, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको जो है ना जितने भी डॉट्स थे पहले दिख रहे थे उतने ही डॉट्स में आपको रखना है। अब मैं आपको इसको रिवॉल्व करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्वीजर रखनी है, ठीक है, यहाँ पे ट्वीजर रखनी है, और उसके बाद हिट करना है आपको। हिट जो है वो आप 280 पे रख सकते हो, डिपेंड आपके पास कौन सा ब्रांड ब्लोअर है उस हिसाब से। देखिए ये सारे बॉल्स जो है वो बन चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करके फिर हटाना है, ताकि ये जो गर्म बॉल है वो तुरंत ना हो, नहीं तो हिल जाएंगे बॉल। अभी क्या करना है आपको, इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने का बेनिफिट एक ये होता है ना कि जो एक्स्ट्रा बॉल्स थे वो निकल जाते हैं आपके, कुछ निकलते हैं, सारे नहीं निकलते, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस तरीके का ब्लेड आता है मार्केट में, इससे एक बार आपको ऐसे रफ कर लेना है ताकि बॉल्स के सारे शेप जो है वो बराबर हो जाए। आपने मेरी हर एक वीडियो में रिवॉल्विंग जो है वो देखी ही होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से करना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर हर जगह पे आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं, आप कुछ भी स्टेप फॉलो कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने तरीके को खुद बना सकते हो, ठीक है।
अब ये हमने क्या किया, जो जो सारे बॉल्स थे उसे कट कर दिया, तो ताकि क्या हो कि जो बॉल बने हुए हैं वो एक शेप में बने। अभी आप देखिए, मैं आपको हिट करके दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आपके बॉल सही बनेंगे ना, तो इसका मतलब आप स्टेंसिल से निकालोगे तो आसानी से आपके जो है वो निकल जाएंगे। फिर सबसे पहला काम है कि हमें इस स्टेंसिल को क्लियर करना है, साफ करना है मतलब, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर बॉल जो है वो सूख जाते हैं, तो फिर बाद में जल्दी निकलते नहीं है, और फिर जब आप दोबारा ऐसे रिबॉल करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए इसको ऐसे ऐसे आपको पीवीडी लगा के हल्का हल्का जो है वो साफ करना है, तो सारे बॉल में से जो है आसानी से सब निकल जाता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सारा निकल गया। अब मैं आईसी को साफ करके आपको दिखाता हूँ। आपको एक बार खड़ा मारना है, एक बार ऐसे मारना है, ताकि जो बॉल्स बीच में भी हो वो भी निकल जाए, ठीक है। अब देखिए सारे बॉल्स जो है वो बन चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ठीक है। यहाँ पे देखो, जब भी आप बना लो तो आपको ध्यान देना है, अगर अभी मैं इस पे हिट मार देता तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए ये इसको ऐसे जो है ना डॉट्स को निकाल लेना, अगर कुछ भी इसके अंदर फंसा होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी ये हमने कर लिया, अभी हम इस पे थोड़ा सा हिट मार लेते हैं ताकि जो पीपीडी लगी है वो सूख जाए। पीपीडी जो है वो सूख गई है, तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट गिराएंगे। देखो ठीक है, ये जितने भी बॉल है ना थोड़े से शाइन करेंगे। जब भी ये गर्म हो तो थोड़ा ध्यान देना है आपको, नहीं तो क्या होगा, कभी कभी जो है ना गर्म में अगर ये छूट जाती है तो बॉल सारे आपके हिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा बॉल है, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया मैंने, और इसको जो है ना हम टीपी पॉइंट को जो है वो क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आपको जो है वो करना होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरी प्रॉपर आईसी की रिवॉल्विंग जो है वो हुई है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको माइक्रोस्कोप के कैमरे से भी दिखाता हूँ। देखो सारे बॉल जो है वो एक शेप में बने हैं, ठीक है।